हाँ जी आ गए। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हनी किंग क्रिएशन में। आज हम आए हैं इस मार्केट में जिसका नाम है सेक्टर 7 पंचकूला। ये अंकल एक काफ़ी दिन से यहाँ पे मिल्क शेक, बादाम शेक, लच्छा और फलूदा आइसक्रीम लगाते हैं। अगर एरिया की बात करें तो ये एरिया है सिंह सन, जो 7 सेक्टर का मशहूर एरिया है, उसके सामने ही अंकल लगाते हैं। तो पहले एक बारी मैं जल्दीबाजी में इनसे मिल्क शेक पी गया था, तो आज मैंने सोचा विस्तार से इनसे एक फलूदा करवाते हैं और साथ में देखते हैं कि ये कैसे बनाते हैं। देखिए, अगर आप साफ सुथरी जगह या कुछ ओवरऑल देखें तो अंकल ने जहाँ से लच्छे पकड़ने थे उस पर ग्लव्स लगाए हैं, तो मतलब प्योर क्लीनलीनेस जगह है ये। आप कभी भी आए, जबरदस्त था। मैं दोबारा इसलिए आया हूँ कि एक बार वीडियो बना के आपको दिखा सकूँ। अल्टीमेट फलूदा बनाया था अंकल ने, आप सारा कुछ देखिए किस तरह से ये सारा कुछ डाल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर एक बार ये विज़िट करेंगे। 7 सेक्टर में है, 2 है पता नहीं 3 है। ये अंकल सिंह सन के आगे लगाते हैं कॉर्नर पे जहाँ चाप वाला बैठता है। तो एक बारी आप ज़रूर इनके भी खाकर देखिए, विज़िट कीजिए ज़रूर। डिटेल्स हैं जो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप फॉलो करके आ जाइएगा। और गर्मियों में जिनको भी फलूदा खाने का मन है उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ आपका मन करे। आप देखिए कितने सफाई से अंकल पूरा बंदोबस्त करके बना रहे हैं। तो मुझे तो अच्छा लगा सर, अंकल का सारा कुछ जिस तरह से ये बना रहे हैं, प्यार से, आराम से, स्वाद अनुसार प्यार से। तो आप भी आइए, विज़िट कीजिए और हम अपना बनवाते हैं 2 फलूदा। तो इसका मैं प्राइस आपको बता दूं, 80 रुपये का ये गिलास रहेगा, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है रेट, ज़्यादा है नहीं। जिस हिसाब से अंकल ने सामान डाला है इसमें, ये डल रहा है ऊपर से जो इनका मेन है कुल्फ़ी, फलूदा कहते हैं शायद उसको, नीचे वाले रस को, लच्छा और रबड़ी को, और ये ऊपर कुल्फ़ी डलती है, तो इसका नाम है पूरा फलूदा कुल्फ़ी। तो मैं वीडियो के एंड में मिलता हूँ, आप देख लीजिए पूरा। यही तो है मेन। ये देख रहे हैं आप, यही है अमृत, मेन अमृत यही है जो इस फलूदा की शान बढ़ा देगा। 2 गिलास हमारे रेडी हो गए हैं, अभी अच्छी तरह इसको मिक्स कर रहे हैं दोनों को। जो भी सामान था ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको मिठास नीचे मिलेगी ऊपर फीका फीका, तो ये मिक्स करना पड़ता है। चेरी डालेंगे ऊपर से ताकि ये और अच्छा लगे दूर से। तो ये बन गया हमारा, हम इसको टेस्ट करते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।